हेलो गाइस, सो दिस इज़ आवर डे वन ऑफ आवर ट्रिप। तो प्लान ऐसा है कि हम 25th को निकले हैं दिन में, अर्ली मॉर्निंग हमने फ्लाइट लिया सुबह 8:45 की, एंड वी केम टू मुंबई। सो दैट विल बी आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन फॉर दिस वेकेशन। हम 2 दिन हैं मुंबई में, 25th एंड 26th। 27 की हमारी ट्रेन है सुबह अर्ली मॉर्निंग शताब्दी फ्रॉम मुंबई टू बडगांव। तो ये 2 दिन हम मुंबई एक्सप्लोर करेंगे एंड देखेंगे कि नॉर्मल तो मुंबई आपने वैसे देखी होगी, लेकिन क्रिसमस के टाइम पे मुंबई में क्या जलवे होते हैं वो आपको दिखाएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे कोई लॉकडाउन वॉकडाउन का बताया कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ बताया नहीं सर। यहाँ पे 144 धारा वापस लगा। हेलो एवरीबॉडी, सो आज हमारा day 1 है मुंबई में, एंड हम लोग आए हैं फिलहाल एक स्कूटी रेंट करने, बिकॉज थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ट्रैवल में। सेकेंडली, मुंबई इज़ फेमस फॉर इट्स ट्रैफिक, तो ट्रैफिक अवॉइड होना है। एंड जहाँ पर भी हमारा मन करे वी कैन टेक स्टॉप ओवर देयर। लोकल ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा फसी हो जाता है इस मोमेंट पे, सो वी कॉन्टेक्टेड अ पर्सन जो यहाँ आस पास ही बेस्ड आउट है, एंड ही हैज़ अग्रीड फॉर 1700 फॉर 2 डेज today and tomorrow, because day after tomorrow we'll be leaving. So let's see how it goes. Taking scooty over here, I hope you can see, and ye jagah hai. Jo hamara hotel hai wo andheri mein based hai, and room tour main aapko jaane ke baad de dungi, but filhal let's start with the tour, let's start with the ride. See you. तो स्कूटी का प्रोसेस ख़त्म हो गया है। वी हैव टेकन दी स्कूटी, एंड कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि आप इसी सिटी में रह सकते हो, सिटी के बाहर नहीं जा सकते, एंड 5-7 किलोमीटर्स तक का डैमेज जो है अगर कुछ होता है सो दैट ओनर पे करेंगे, उसके आगे जो होता है वो हम बेयर करेंगे, एंड थोड़ी मोड़ी डॉक्यूमेंटेशन है, दैट्स इट। फिर भी हमें ठीक लगा क्योंकि कन्वीनियंस अपनी होती है, टू व्हीलर है तो मुंबई का ट्रैफिक भी अवॉइड हो जाता है, सो वी प्रेफर्ड। एक्टिवा है एंड इट्स गुड, अभी तक तो सही है। फिलहाल हम लोग अभी एक पेट्रोल पंप पे हैं, गेटिंग आवरसेल्फ फ्यूल, एंड देन यहाँ से निकलते हैं फॉर द ट्रिप। सो वी आर ट्रैवलिंग इन मिडल ऑफ मुंबई, अंधेरी में हम लोग, एंड वी जस्ट क्रॉस द रेलवे स्टेशन, लोकल रेलवे स्टेशन। वी आर गोइंग टू वर्सोवा, एंड जाम बहुत है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। चलिए आपको दिखाते हैं। हाँ, तो कोई ऐसा चलता फिरता मिल भी जाता है, टीवी स्टार्स जो है, टीवी स्टार नॉट फिल्म स्टार। सही प्रॉपर्टी है ये। पूरी क्रिसमस फील्स है, बहुत रेगुलर इंटरवल्स पे डेकोरेशंस वगैरह हो रखे हैं, पता है? हाँ, मतलब इतना अच्छा दिल्ली में भी नहीं दिखता हो।
क्रिसमस के टाइम पे सिर्फ चर्च वगैरह डेकोरेट होता है। नहीं अच्छा है ना यार, डाइवर्सिटी कितना सही होता। सो वी आर हेयर एट द वर्सोवा बीच। यस अंधेरा है, इतना कुछ परफॉर्मेंस आएगा नहीं। हाँ मुझे लगा दिए पार्किंग में। आज बहुत भीड़ है बिकॉज ऑफ 25th December एंड किसी तरह बहुत मुश्किल से पार्किंग मिली है। सो वी गॉट नाउ वी आर गोइंग टू जुहू बीच एंड वहाँ पे दिखाते हैं क्या माहौल है। कुछ ज्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे। ओह माय गॉड। अप कर सबसे ज़्यादा एक्सेस यही होता है, सबसे ज़्यादा लोग यही आते हैं जो कभी पाव भाजी खाते हैं। No place I'd rather be.